हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक फ्यूजन रेसिपी बनाने वाले हैं जो है पानी पूरी और पिज़्ज़ा का कॉम्बिनेशन, पिज़्ज़ा पानी पूरी, जिसे हम मोस्टली स्ट्रीट फूड में खाते हैं। पिज़्ज़ा पानी पूरी घर पर बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही इसे हम बिना ओवन का यूज़ करके बनाएंगे। ये फ्यूजन ट्विस्ट आपको बहुत पसंद आएगा, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक कढ़ाई को गरम करके इसमें एक टेबलस्पून ऑयल ऐड करें और साथ ही एक टीस्पून बटर। बटर को हल्का सा मेल्ट होने दें। बटर के मेल्ट हो जाने पर इसमें एक टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे कुछ सेकेंड्स के लिए सौते करेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए भून लें, जिससे कि इसका रॉ टेस्ट चला जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपका मैदा जलना नहीं चाहिए। मैदा भी बटर के साथ भून चुका है। नेक्स्ट इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिलाते जाना है। एक बार में सारा दूध नहीं ऐड करें, वरना लम्स आ सकते हैं। तो मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स भी नहीं है, एकदम स्मूथ सॉस रेडी हुई है। इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसे भी मिक्स कर लें। लास्ट में मैंने कुछ मिक्स हर्ब्स भी डालकर मिला लिया है। तो इस तरह से वाइट सॉस बनकर रेडी है। इस वाइट सॉस को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और साइड में रख दूँगी। फिर से एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करें। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें चॉप की हुई प्याज और कैप्सिकम डाल लें। इन्हें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सौते कर लें, जिससे इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। फिर इसमें कुछ बॉईल किए हुए कॉर्न और चॉप टोमेटो भी ऐड करें। इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लें। वेजेस को हमें क्रंची ही रखना है, इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करें। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालूंगी और 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब डालकर मिक्स कर लूँगी। इन वेजेस को आप और 2 मिनट के लिए सौते कर लें। तो वेजेस भी रेडी है। इन वेजेस को हमें वाइट सॉस में ऐड कर लेना है। साथ ही हम आज पिज़्ज़ा पानी पूरी बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस ली है। इस सॉस के मैं 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड कर लूँगी। सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है। लास्ट में 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करके इसे मिक्स कर लें। पिज़्ज़ा पानी पूरी बनाने के लिए ये हमारी डिलीशियस फिलिंग रेडी है। तो चलिए पूरी को फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पहले से ही पूरी को सेंटर से ब्रेक करके रख लिया है। अब बस हमें बनाई हुई फिलिंग को एक एक करके सभी पूरीज में फिल कर लेना है। अच्छी तरह सभी पूरीज में फिलिंग को भर लें। पूरी फिल हो जाने पर यहाँ मैं चीज़ स्लाइस को इस पर रख लूँगी और ऊपर से कुछ और चीज़ ग्रेट करके डाल लेंगे। ये बहुत ही चीज़ी बनता है। लास्ट में कुछ चॉप्ड वेजीज डाल लूँगी। ये हमारी पिज़्ज़ा पानी पूरी बेक होने के लिए तैयार है। आज इसे मैं ओवन में नहीं बल्कि एक पैन में बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पैन में एक स्टैंड रख के इसे प्रीहीट कर लिया है। इसमें अब मैं पिज़्ज़ा पानी पूरी वाली डिश को रख लूँगी और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। वाह, ये देखिए चीज़ कितनी बढ़िया मेल्ट हो चुकी है और ये कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है।
इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो थी ना बहुत ही सिंपल, इजी और डिलीशियस सी फ्यूज़न रेसिपी पिज़्ज़ा पानी पूरी की। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।